सागर जिले के राहतगढ़ टीम पिछले 4 माह से सागर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का कार्य कर रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सागर के आसपास के क्षेत्रों में भी स्वच्छता अभियान का आयोजन प्रारंभ कर दिया है। राहतगढ़ बस स्टैंड के पास स्थित रेस्ट हाउस की बाहरी दीवारों की साफ सफाई का रंग रोगन किया गया। तत्पश्चात बुंदेली आकृतियों के साथ स्वच्छता के संदेश लिखे, साथ ही बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के आसपास की साफ सफाई की गई। अभियान में राहतगढ़ के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंसान ग्रुप के प्रमुख शुभम श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी रविवार को मैं आयुष श्रीवास्तव के तत्वावधान में राहतगढ़ में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जाएगा। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। हम है इंसान टीम द्वारा यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया गया है। हमें इंसान टीम निरंतर करीब कुछ महीनों से सागर में साफ सफाई अभियान का कार्य करती है, तो आज हमने यह कार्यक्रम अपने राहतगढ़ में चालू किया है। राहतगढ़ में बहुत समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन हमने शुरुआत दीवारों की रंगाई पुताई से करी है और ये एक जागरूकता अभियान है लोगों को बताने का कि हमें अपना शहर, जिसको हम अपना घर समझते हैं, उसे साफ रखना चाहिए। इस रंग रोगन में जो खर्च आ रहा है वो मतलब किसकी तरफ से है? मतलब ये हमारे ग्रुप की तरफ से है, ये हमें इंसान ग्रुप है, हम सभी सदस्य साथीगढ़ इसमें आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, चंदा करके ये रंग खरीदते हैं और फिर इसी ये कलाकृति बुंदेली कलाकृति बनाकर दीवारों को सजाते हैं। एक संदेश है हमारा स्वच्छता बनाने का, स्वच्छता दिखाने का। उसका आवेदन भी देते हैं, निवेदन भी करते हैं शासन से कि आप पहले करवा दीजिए, और लगता है जब वो नहीं करते तो हम लोग खुद मैदान में आ जाते हैं और अपने पैसों से अपने उस दीवार को अच्छा करते हैं। तो बुंदेली आकृति ही बनाते हैं, जैसे कि हम बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये उद्देश्य भी है कि अपनी बुंदेली संस्कृति को लोगों तक जाने पहुँचाएँ, तो हम उसे बुंदेली आकृतियाँ ही बनाते हैं। इसमें आपकी कौन कौन सी एक्टिविटी रहती है, क्या क्या काम इसमें? हम जैसे कि जनजागरण रैली निकालते हैं, से नो टू प्लास्टिक कैंपेन करते हैं, कपड़े के थैले बांटते हैं, और इस तरीके से स्वच्छ सागर सुंदर सागर हमने एक अभियान को नाम दिया है। तो जो भी दीवारें गंदी दिखती हैं उनको हम बुंदेली आकृति बनाते हैं, और आने वाले भविष्य में भी हम ब्लड बैंक का भी स्थापना कर रहे हैं, तो हमारी टीम का एक ब्लड बैंक का भी स्थापना कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास ये मतलब कितने लोग हैं और कब से आपने चालू किया? हमने ये मैंने स्टार्ट किया था से नो टू प्लास्टिक कैंपेन से, तो हम अकेले थे, उसके बाद से आज हम करीब 15 से 20 परमानेंट मेंबर हैं, और अगर ओवरऑल सोशल ग्रुप की हम बात करें तो करीब 150+ लोग हमारे साथ हैं। आज का आप लोगों का दौरा कहाँ का था ये? ये आज हमने राहतगढ़ चुनाव किया था। राहतगढ़ से बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि हम राहतगढ़ आएँ, यहाँ के युवा चाह रहे थे कि हम उनको सिखाएं कि हम लोग सागर में कैसे करते हैं, तो हमने फिर निर्णय लिया कि इस बार हम राहतगढ़ चलेंगे और उनको एक डेमो देंगे, नेक्स्ट रविवार से वो लोग खुद से यहाँ पे काम। तो आज यहाँ पर आप लोग क्या करने वाले? ये पूरी जो आप दीवार पीछे तरफ की दीवार है, इसको हम पूरा पहले पेंटिंग करेंगे, फिर उसे बुंदेली आकृति बनाएंगे और कुछ बुंदेली स्लोगन भी लिखेंगे, तो वो हर तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, हमारे आप 2 घंटे बाद देखिए दीवार बहुत शानदार होगी। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।